हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं करेक्टर स्केच ऑफ चंदू। चंदू के करेक्टर को मुल्कराज आनंद ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया है और इस करेक्टर में चंदू ने अपने काम के चलते हाई क्लास के लोगों को यह प्रूव किया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं करेक्टर स्केच ऑफ चंदू। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। मुल्कराज आनंद शॉर्ट स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, यानी मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है, जो एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। द राइटर प्रेजेंट्स मैनी इम्प्रेसिव करेक्टर्स, लेखक ने इस शॉर्ट स्टोरी में कई प्रभावशाली पात्रों को प्रस्तुत किया है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज चंदू, लेकिन उन सभी पात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चंदू का करेक्टर है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंदू इज़ द हीरो इन दिस स्टोरी, कि चंदू इस स्टोरी का हीरो है। अब हेडिंग नंबर नेक्स्ट, चाइल्डहुड। चंदूज चाइल्डहुड वॉज केयरफ्री एंड स्पोर्टिव। चंदू का बचपना लापरवाही और खेल में बीता था। एंड द नरेटर न्यू चंदू सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड, और नरेटर चंदू को उसके बचपन के दिनों से जानता था। एंड यूज्ड टू प्ले विद हिम, और चंदू के साथ खेला करता था। चंदू वॉज सीनियर टू द नरेटर बाई 6 months, चंदू नरेटर से उम्र में 6 महीने बड़ा था। एंड एक्टेड लाइक द लीडर, और एक लीडर के जैसे कार्य किया करता था। चंदू वॉज एक्सपर्ट इन मेकिंग फ्लाइंग पेपर काइट्स, चंदू कागज की पतंग बनाने में एक्सपर्ट था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, एट स्कूल। चंदू वॉज डल एट स्कूल, चंदू स्कूल में एक डल लड़का था। ही वॉज वीक इन डूइंग सम्स, वह जोड़ने में कमज़ोर था, यानी पढ़ाई करने में कमज़ोर था। इन फैक्ट वास्तव में, ही हैड नो टाइम फॉर सीरियस स्टडी, उसके पास पढ़ाई करने के लिए समय नहीं था। हिज फादर न्यू दैट, उसके पिता जानते थे कि हिज सन्स फ्यूचर डिपेंडेड ऑन हिज ट्रेडिशनल बार्बर ट्रेड इन प्लेस ऑफ एजुकेशन, कि उसके बेटे का भविष्य अपने पारंपरिक बार्बर ट्रेड पर आधारित था सिवाय शिक्षा के। चंदूज फादर अप्रेंटिस्ड हिम इन द मॉर्निंग फॉर शेविंग एंड हेयर कटिंग, चंदू के पिता चंदू को सुबह के समय दाढ़ी बनाने और बाल काटने का प्रशिक्षण दिया करते थे। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हाई एम्बिशन। चंदू वॉज एम्बिशस ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट देन अदर्स, चंदू की कुछ करने की महत्वाकांक्षा दूसरों से बिल्कुल अलग थी। इन द टाउन गांव में, ही मार्क्ड इंग्लिश स्टाइल ऑफ ड्रेसेस, चंदू ने कपड़ों की अंग्रेजी शैली को चिन्हित किया था। ही मेट द डेंटिस्ट कलान खान, उसकी मुलाकात एक डेंटिस्ट जिसका नाम कलन खान था उससे होती है। एंड डिसाइडेड टू बी लाइक हिम, और चंदू निश्चय करता है कि उसके जैसा बनेगा। सो इसलिए ही विजिटेड द विलेज, चंदू ने गांव में प्रवेश किया। इन अ वाइट टर्बन, अ वाइट रबर कोट एंड पेयर ऑफ सूज, यानी एक सफ़ेद साफे में एक सफ़ेद रबड़ के कोट पहनकर और जूते पहनकर। विद लेदर बैग इन हिज हैंड, और अपने हाथों में एक लेदर बैग लेकर। इन ऑर्डर टू प्रूव हिज हाई स्टेटस, ताकि वह अपने हाई स्टेटस को प्रूव कर सके, यानी सिद्ध कर सके। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हिज सक्सेस एट टाउन, यानी गांव में चंदू की सफलता। चंदू गॉट सक्सेस एट टाउन, चंदू गांव में सफल हुआ। द फर्स्ट डे
पहले ही दिन ही अर्नड अ रुपी वाई शेविंग एंड हेयर कटिंग नियर द कोर्ट। चंदू ने एक रुपया दाढ़ी बनाकर और बाल काटकर कोर्ट के पास कमा लिया। एट टाउन गांव में ही अर्नड उसने कमाया एंड सेव्ड सो मच और पैसा बचाया सो दैट ताकि ही कुड बाई न्यू ड्रेसेस वह नए कपड़े खरीद सके। चंदू कन्विंस्ड ऑल द बार्बर्स ऑफ द टाउन। चंदू ने गांव के सभी नाई को विश्वास दिलाया सो दैट ताकि द एल्डर्स ऑफ द विलेज कि गांव के जो बड़े लोग हैं शुड कम टू देम टू बी सेव्ड सेविंग कराने के लिए उसके पास आए। हेडिंग नंबर नेक्स्ट हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। चंदू टुक अ शॉप एट द वे साइड ऑफ द विलेज। चंदू ने दुकान गांव में सड़क के किनारे खोल ली एंड रन इट विद हिज कज़िन और इस दुकान को अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर चलाने लगा। ही कॉल्ड इट उसने दुकान का नाम रखा राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड सेविंग सैलून। हेडिंग नंबर लास्ट कंक्लूजन। दस इस प्रकार चंदूज करेक्टर इज वर्थ प्रेजिंग। चंदू का करेक्टर वर्थ प्रेजिंग है यानी प्रशंसा के योग्य है। ही इंटेंड्स नो हार्म टू एनीबडी। उसका इरादा किसी को इंटेंड्स करने का नहीं था मतलब नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बट ही डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द एल्डर्स ऑफ द विलेज। लेकिन चंदू ने गांव के बड़े लोगों को सबक सिखाने का निश्चय किया दैट नन इज हायर और लोअर कि कोई भी उच्च और निम्न नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका चंदू का करैक्टर। दोस्तों आपको यह करैक्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं क्योंकि ये करैक्टर पेपर को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आप खुश रहिए मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।